महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में एनसीपी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एनसीपी ने लाडली बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है। साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर नए महाराष्ट्र का विजन प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकजुट रहने की बात कही। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि पटो मत। पटो मत, बटे थे तो कटे थे, एक है अनेक है, यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है। महाराष्ट्र में बागियों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन तोड़ने वाले अपने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अनुरोध के बावजूद नामांकन फॉर्म वापस नहीं लेने के कारण पार्टी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थान संविधान से बने हैं, अगर संविधान नहीं होता तो कोई चुनाव आयोग नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा दूसरों के हित की बात की। जब अम्बेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनाइलेशन ऑफ सेल्फ हो, एनाइलेशन ऑफ कास्ट हो, बुद्धिज्म पे काफी पढ़ा है, और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि ये व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अफवाहें फैलाने और गुमराह करने वाला बताया है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना एनसी ने ये बात महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संविधान सम्मान सम्मेलन पर कही। राहुल गांधी जी को एक नए स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता है, क्योंकि अफवाहें वो फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नहीं होता है। संविधान को कोई खतरा नहीं है, कहीं भी कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया, प्रीएम्बल स्कूल तक लेके गए। तो राहुल गांधी, आपका नैरेटिव बदल दीजिए, आपके स्क्रिप्ट राइटर को बदल दीजिए, क्योंकि जो सोच विचार नहीं है, आप घुमा फेरा के लोगों को फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने आपको ठुकराया है। तो महाराष्ट्र की जनता को पता है कि 20 तारीख को क्या करना है। और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता धीरज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, लगातार चुनाव प्रचार तेज हो रहा है और उसके साथ जो बयानबाजी है वो भी धार पकड़ रही है। आज का अगर हम पूरा ये मामला देखें, राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लेकिन शाइना एनसी ने कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग जानते भी हैं इस बात को। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम आज जो राहुल गांधी के अगर हम भाषण को देखते हैं तो ये साफ तौर पर दिखता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूमती थी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश
की थी, उसी तरीके की कोशिश एक बार फिर आज राहुल गांधी ने नागपुर की रैली में की है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नागपुर में राहुल गांधी की ये जो रैली थी, ये महाविकास आघाड़ी की एक संयुक्त रैली थी, और इस रैली में ये तय होना था कि इस बार का जो महाविकास आघाड़ी का जो चुनाव प्रचार का अभियान जो होगा वो किन किन मुद्दों पे होगा और किन किन मुद्दों के साथ वो भी लोगों के बीच में जाएंगे। और जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जिस तरीके से एक तरीके से ये कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाती है तो संविधान बदला जाएगा, लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, लोगों के जमीन छीन लिए जाएंगे, जैसे कई मुद्दों को कांग्रेस ने उभारा था। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जब आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से आज प्रचार अभियान की शुरुआत हुई है, और प्रचार अभियान किस मुद्दे पर हो इसकी शुरुआत हुई है, और राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे, तो एक बार फिर हमने देखा कि उसी पैटर्न को दोहराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो रही है। धीरज, दरअसल मसला ये है कि संविधान की बात तो कर रहे हैं लोकसभा चुनाव, धीरज आपसे ये जानना चाहेंगे संविधान की बात तो कर रहे हैं लेकिन जो गठबंधन का उनका एजेंडा है, जो उनके गठबंधन का संविधान है या जिस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आए थे, उसमें कितनी सफलता है? देखिए, संविधान की वो बात जरूर करते हैं लेकिन गठबंधन की अगर हम संविधान की बात करें तो शुरू में ये तय हुआ था कि जो गठबंधन में जो तीनों जो महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं वो समान समान पैटर्न पे चुनाव लड़ेगी, समान समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ये फॉर्मूला जो शरद पवार की तरफ से तय हुआ था और जिसको कि शिवसेना और कांग्रेस ने भी जिसके लिए हामी भरी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में शिवसेना ने तो 87 सीटों पर जरूर अपने उम्मीदवार उतारे, महाविकास आघाड़ी की तरफ से एनसीपी ने भी, शरद पवार ने भी अपने जो 87 जो उम्मीदवार हैं उनको उतारे, कुछ सहयोगियों को दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो बड़े भाई का फर्ज नहीं अदा कर या संविधान की का जो गठबंधन का जो मूल मंत्र था उस मूल मंत्र को तोड़ते हुए जो 103 सीटों पर यहां से जो प्रत्याशी उतारे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सियासत को एक तरीके से दरकिनार कर, या जो कह सकते हैं कि गठबंधन धर्म को दरकिनार कर, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरह से सीटों का बंटवारा हुआ और उसको कहा जा देख सकते हैं, और उस सीटों के बंटवारे के लिहाज से ये भी इन चुनावों में काफी अहम रोल डालने वाला है इस बार। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।